जी अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त हम आए हैं जी हज़रत ख्वाजा खाजगान पीर सैयद मुरीर अहमद शाह नकीबी साहब, तो वो आए हैं अपने मुरीद के पास मीर दाद माफी में। तो उनके इस्तकबाल के लिए उनके मुरीदान खड़े हैं, तो कुछ ही देर में उनकी आमद होगी, तो उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं सब मुरीदें। तो इंशाल्लाह आज आपको उनकी पूरी महफिल पाक दिखाएँगे कि हुज़ूर का ज़िक्र हर पीर का हर किसी का अपना तरीका है हुजूर का ज़िक्र करने का। तो हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कि वो हुजूर का ज़िक्र किस तरीके से और किस अंदाज़ में झूम के करते हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ही देर में पीर साहब की शरीफ आमद होगी, तो हम आपको उनका इस्तकबाल दिखाएंगे जी। इंशाल्लाह उनके मुरीदैन हाज़िर हो चुके हैं और पीर साहब के इंतज़ार में खड़े हैं। लें जी, पीर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं जी इस वक्त, तो पीर साहब की आमद में उनके मुरीदैन का इस्तकबाल करते हुए। माशाल्लाह जी, ख्वाजा ख्वाजगान पीर सैयद मुनीर अहमद, पीर सैयद मुनीर अहमद शाह नकीबी साहेब, अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह की सलाहें बुलंद होती हैं। आगे बैठे दो, स्टेशन जो 10 किलोमीटर आप सीधे आते हैं ना आगे मेन पे, तो आगे एक खाते का ना था 30 स्टाफ, उसको कहते हैं दूसरे से आप सीधे आ जाते हैं, फिर वो आपके नए जो शहर में इंटरव्यू होना था हर बात से आता है, गाइड होता है ना साथ, तो फिर तो मसला सीधा हो जाता है, गाइड ना हो जो है तो फिर आपको वो टेंशन है। मुझे सरफराज शाहरीत पर हमें साबत कदम